सरकार ने इंदिरा आवास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों को पक्का आवास मिल सके, परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के जगदीशपुर लहरवा गांव में अभी तक नहीं बना है पक्का आवास। जगदीशपुर में पक्का आवास न बनने से तारा देवी सहित कुल 10 परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या आपको इंदिरा आवास मिला है? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। कितने प्रधान आए और कितने चले गए। तो इंदिरा आवास पाने के लिए आपने कोई प्रयास किया? हाँ, बहुत प्रयास किया, कोई बोल बोल कर सब कोई दिया नहीं। अब क्या करें, नहीं रहने से तो बच्चा इधर उधर बैठते हैं और बहू भी इधर उधर बैठ जाती हैं। खाना बनाने के लिए तो फिर रोक देती हैं, जब बारिश ख़त्म होने से तो फिर खाना बनाने जाती हैं। इधर उधर से पानी गिरते हैं और हम लोग तो रहने में बहुत ही तकलीफ है। यही सब समस्या है और कोई तो इतना दिन से प्रधान हुआ और कोई हम लोग को समस्या हल नहीं किया। अब आप लोग आए हैं तो कुछ भी मेरा समस्या हल कर सकते हैं। आप लोग के ऊपर मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोग के आने से भी हमको लाइन मिला। समस्या यह है दीदी कि जैसे अब हमने के बीटीआर सूची में नाम हमने का बा, हाँ। हमने के यह हमारा रिजबरी मिले के अपन बूठे बाल बच्चा हमने अपन करत खाद बाड़ी हमने तो कुछ नहीं बा। तो आवास मिला है आपको? अब न रहले से दिक्कत हर चीज के हमने के बाग गोरू रख ले भाई, चौगा रख ले भाई, हमने के खुदा बारिश में दिक्कत होला, चुहला बहला यार वार अब अपन बितावल जात बा कैसे मड़ई झोपड़ी में। कौन सुनवाई बा ना धान प्रधान सुनत बाड़न, खाली कहत बाड़न हे आई हो आई ऐसे आई वैसे आई, अब कुछ नहीं बा। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि पक्का आवास बने ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूं कि आप लोग चोलापुर के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-41-75-79 पे कॉल करके दबाव बनाए ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सके। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।